हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नर्सिंग की दुनिया में। तो साथियों, आज की जो न्यूज़ है ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं ANM 8853 ज्वाइनिंग के रिगार्डिंग। यहाँ पे हमारे तेजस्वी भैया के द्वारा ऐलान किया गया है, यानी कि ऑफिशियल नोटिस जारी किया गया है। एंड इसके साथ ही ये नोटिस है कि क्या सभी को जाना है, जिनको कॉल या मैसेजेस नहीं आए हैं क्या उन सभी को जाना है, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट के पास यहाँ पर मैसेजेस नहीं आए हैं ना कॉल आए हैं। एंड जो है आज की वीडियो में हम ये भी जानकारी देने जा रहे हैं आप लोगों की एक साथ कितने कैंडिडेट को यहाँ पे जो है ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इन्फॉर्मेशन को। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले साथियों, आप लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि मेरे द्वारा दिया गया हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन बिना किसी देरी के सबसे पहले आप तक पहुंचे। ओके साथियों, तो चलते हैं समय को न गवाते हुए इन्फॉर्मेशन की ओर। साथियों, आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे तेजस्वी यादव यानी कि हमारे बिहार के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, इन्होंने आज अभी अभी ट्वीट करके क्या कुछ कहा है। के साथियों, आप देख पा रहे होंगे कि अभी जो स्क्रीन पे है ये हमारे बिहार के स्वास्थ्य मंत्री यानी कि तेजस्वी यादव। देखिए कि तेजस्वी भैया के द्वारा क्या कुछ यहाँ पे ऐलान किया गया है, क्या कुछ गुड न्यूज है। तो इन्होंने ट्वीट करके क्या कुछ कहा है कि खुशी तब मिलती है, खुशी तब मिलती है जब आप दिल से जो कहते हैं उसे पूरा करते हैं। देखिए इन्होंने कितनी बड़ी लाइन कही है। एंड इसके साथ ही इनके द्वारा ये भी कहा गया है कि कल स्वास्थ्य विभाग बिहार में नव चयनित यहाँ पे 9469 स्वास्थ्य कर्मियों को ऐतिहासिक रूप से एक ही दिन में नियुक्ति पत्र वितरित किया जाएगा। साथियों, मैं पिछले वीडियो के माध्यम से आप लोगों की बताई थी कि यहाँ पे जो है, जो आप लोग बापू सभागार गांधी मैदान में जा रहे हो वहाँ पे हो सकता है कि बिहार के स्वास्थ्य मंत्री एंड शिक्षा मंत्री एंड जितने भी हमारे सीएम वगैरह जो भी पदाधिकारी हैं उन सबको बुलाया जाए एंड उन सबके द्वारा ही यहाँ पे जो है नियुक्ति पत्र मिलने की चांस है। और वही हुआ, कल तक तो इन्होंने ऑफिशियल नोटिस कुछ नहीं दिया था, बस मेल कॉल मैसेज आ रहे थे, लेकिन आज इन्होंने ट्वीट के माध्यम से भी इस बात को यहाँ पे स्पष्ट कर दी। एंड इसके साथ ही इन्होंने ये भी कहा है कि युवाओं की जय जयकार है, युवाओं की जय जयकार है, खुशी अपार है, बिहार की नई सरकार में नौकरियों की बहार है। वाह वाह, तालियां तालियां, कितनी बड़ी गुड न्यूज है। आई एम सो हैप्पी साथियों कि आप लोग 8853 के रिगार्डिंग यहाँ पे जो है काफी परेशान थे, फाइनली आपको जो है वंस अगेन साथियों हैप्पी दिवाली इन एडवांस। तो आप लोग की दिवाली जो है फटाखों एंड मिठाइयों के साथ अच्छे से बीतेगी। एंड इसके साथ जो है इनमें यहाँ पे 9400 की बात कही गई है, तो इनमें बात तो है 8853 का, तो इनमें टोटली 8853 के साथ ही यहाँ पे सीएचओ को भी इसमें ही ऐड कर दिया गया है। तो साथियों फाइनली यानी कि बिहार स्वास्थ्य विभाग में एक बार फिर से बाहर आ चुकी है। तो कैसी लगी ये वीडियो, आई होप कि साथियों इस वीडियो से आप प्रसन्न होंगे, तो इस वीडियो को लाइक करेंगे एंड चैनल पे पहली बार होंगे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करेंगे। तो साथियों कैसी लगी ये वीडियो दोस्तों, और हाँ, जिनको भी यहाँ पे कॉल मैसेज नहीं आए हैं उन लोगों को भी जाना है, क्योंकि वहाँ पे आप लोगों को पूरा चांस है कि ये मिल जाएगा। और अब जाएंगे तो आप अपना वही एडमिट कार्ड एंड आप अपना आधार कार्ड अवश्य लेके जाएंगे। तो मिलते हैं साथियों नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव एंड ऑथेंटिक वीडियो के साथ, तब तक के लिए चैनल पे बने रहें। बाय बाय, टेक केयर साथियों।